हेलो पेरेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अश्विनी ईशा, आपके बच्चे का डिजिटल दोस्त। टुडेज टॉपिक इज ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टेंस अगर आपका बच्चा 1.5 साल से 4 साल की उम्र के बीच में है। ये उम्र के बीच में बच्चा कोई चीज़ ना मिलने पर, एग्जाम्पल के तौर पे टॉयज या गेम्स, या तो उसको कोई काम करना है जो काम करने की उसको 100% फ्रीडम नहीं है, लाइक उसको चेयर से नीचे जंप लगाना है पर हम मना करेंगे, तो ये सिचुएशन में बच्चा गुस्सा ज़्यादा करता है, जिद ज्यादा करता है, हमारी बातें नहीं सुनता, एक्सेट्रा, वी कॉल टेंट्रम। लेट्स लिसन टू वन पेरेंट। मेरा बेटा है एंड वो खिलौनों के लिए काफी जिद करता है एंड अगर हम उसे नहीं देते हैं तो वो चिल्लाना लगता है या फिर गुस्सा करता है या फिर चीजें फेंकता है, फिर हम भी उसके ऊपर गुस्सा करते हैं, वो इनफेक्ट और ज्यादा गुस्सा करता है। इसकी वजह से हम कभी हाइपर में आके उसको थप्पड़ लगा देते हैं। सो ये हम सबका नेचुरल रिस्पॉन्स है, राइट? So now let's change this scene of anger into curiosity and joyful moment. Here the first reminder to parent, बच्चा या बच्चे का गुस्सा गलत नहीं है, बच्चे का गुस्से को एक्सप्रेस करने का तरीका गलत है। ज़्यादातर ये टोडलर एज ग्रुप में बच्चे का ब्रेन वेल डेवलप ना होने पर वो अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर सकता, तो हमें जब भी बच्चा गुस्सा करे तब बी काइंड एंड बी एम्पैथिक विथ योर चाइल्ड। हमें बच्चे को डिसिप्लिन करना है पर वो डिसिप्लिन गुस्से से नहीं करना है, हमें प्यार से डिसिप्लिन करना है। सो डिसिप्लिन विथ लवफुली इज द राइट एटीट्यूड एंड राइट चॉइस जब आपका बच्चा गुस्सा करता है। पर कैसे करें? सो लेट मी एक्सप्लेन थ्रू वन एग्जांपल। मानो कि आपका बच्चा कार के लिए जिद करता है, चाहे कल ही आपने उसको नई कार दी हो, पर वो समय पे सबसे पहला काम आप बच्चे पर गुस्सा ना करके उससे प्यार से बात करें। उसको तुरंत ही ना बोलने की जगह पे आप बच्चे के पास जाए और बच्चे को पूछो कि बेटा आपको कार क्यों चाहिए। वो अपनी प्रिमिटिव वोकैबुलरी से 100 रीजन बताएगा कि उसको कार क्यों चाहिए। फाइन, आप उसको आगे पूछो कि आपको छोटी वाली कार चाहिए या बड़ी वाली कार चाहिए या जायंट कार चाहिए, आपको रेड कलर की कार चाहिए या ब्लू कलर की कार चाहिए। फिर आप उसको आगे बताओ, हाँ हम बिग जायंट कार लेंगे, रेड कलर की कार लेंगे, वो कार में हम घूमने जाएंगे, पापा को साथ ले चलेंगे, फ्रेंड्स को साथ ले चलेंगे, वहाँ पे ढेर सारी मस्ती करेंगे। लाइक दैट यू मेक अ स्टोरी एंड टेक योर चाइल्ड इनटू इमेजिनेशन। एक्चुअली इमेजिनेशन वुड वर्क वंडरफुली फॉर द टोडलर कि उनको ऐसा लगेगा कि हाँ मेरे पास एक्चुअली कार है। और ये समय पे धीरे धीरे बच्चा आपका गुस्सा ना करके थोड़ा शांत होना शुरू करेगा। शायद आपका बच्चा आपके ये सिली क्वेश्चन पे ही लाफ्ड एट विथ यू। सो इमेजिनेशन हेल्प योर चाइल्ड टू काम डाउन सून और शायद आपका बच्चा आपके सिली क्वेश्चन पे हंसने लग जाए। पर फिर भी अगर बच्चा गुस्सा करे, जिद ज्यादा करे, जमीन पर लेट जाए, हवा में किक करे, जोर जोर से चिल्लाए, तो वो समय पे जस्ट नील डाउन एट द लेवल ऑफ योर चाइल्ड, बी एम्पैथिक विथ योर चाइल्ड। आप बच्चे को पूछो कि कैन आई जॉइन यू इन दिस एक्टिविटी, आप वो जैसा करता है वैसा कॉपी करने की कोशिश करो, बट नॉट विद द एंगर, विद द स्माइल एंड विद द जॉय। By doing this, you are turning this critical situation into joyful moment and curiosity moment. And by this time, your child has released all energy of anger. हमारे kind attitude से बच्चा धीरे धीरे शांत हो जाएगा और वो आपकी बात जरूर सुनेगा। तो हमारा हर scene में response right response होना चाहिए। So dear parent, here is the two important take home message. Number one, be empathic and kind at every scene with your child. And number two, avoid physical and emotional punishment. Thank you.